हेलो फ्रेंड्स, आज जनरल स्टडीज में जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी है। आप लोग जिस ढंग से पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं बहुत खुशी होती है, और जनरल स्टडीज इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि चाहे फिर आप एनडीए का एग्जाम दें, सीडीएस का एग्जाम दें, यूपीएससी, पीएससी, किसी भी तरह के एग्जाम जहाँ पर जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक्स आपके काम आएगा। तो मैडम पढ़ाना चालू करेंगे और बहुत ही आपको बेसिक से पढ़ा रही हैं, और जिस ढंग से आप कमेंट्स करते हैं उससे समझ में आता है कि आप इसके बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़िए और जो जो पॉइंट्स मैडम बता रही है उनको नोट डाउन करिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इनको बताइए किस तरह से आते हैं जिससे बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट। हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे अर्थ स्ट्रक्चर, पृथ्वी की संरचना। आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इससे हर तरह के एग्जामिनेशंस में ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में हमारे तीन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट हम अर्थ के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, कभी जब सोलर सिस्टम देखेंगे तो सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। और अर्थ के बारे में शुरुआती बात ये बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी, आप जानते हैं कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है, जिसमें प्लैनेट्स के बारे में जब आप अपनी अर्थ को देखते हैं तो अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन की संभावना है। ओके, और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अर्थ के स्ट्रक्चर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किन में। सबसे जो बाहर की लेयर होती है ये कहलाती है क्रस्ट, उसके बाद सेकंड लेयर कहलाती है आपकी मेंटल, और थर्ड लेयर जो होती है वो कहलाती है कोर। ओके, तो तीन लेयर में हमने डिवाइड किया। ये सबसे बाहरी परत जो है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, इसमें सबसे आउटर लेयर जो है ये कहलाएगी क्रस्ट, क्लियर। सेकेंड इसकी इनर जो सेकेंड वन लेयर है ये क्या कहला रही है, मेंटल। मेंटल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है आपका अपर मेंटल और दूसरा जो है वो है आपका इनर मेंटल। ओके, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइड की गई है, यानी जो आपका ये सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोर। कोर को भी इनर और आउटर में डिवाइड किया गया है। तो हमने तीन स्ट्रक्चर देखे, फर्स्ट वन इज अ क्रस्ट, सेकेंड वन इज अ मेंटल एंड थर्ड वन इज अ कोर। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की, जिसे हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। ओके, ये भूपर्पटी क्या है, ये क्रस्ट जो है ये वाली लेयर है जो सबसे आउटर लेयर है, और क्रस्ट जो होती है इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो एलिमेंट पाया जाता है सबसे हायर परसेंटेज में, वो है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है क्रस्ट में, ऑक्सीजन। और जब क्रस्ट की बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबको एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है तीनों को एक सीक्वेंस में, वो अक्सर पूछा जाता है कि क्रस्ट जो है ये किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। तो जो क्रस्ट होती है ये मिलकर के बनी होती है सियाल से, किससे, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो सियाल से मिलकर के बना हुआ है आपका क्रस्ट। इसी तरह से जब मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल किससे मिलकर के बना होता है, इसे कहा जा सकता है सीमा, क्या कहा जा सकता है, सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और थर्ड जो स्ट्रक्चर आपकी आती है ये होती है निकिल और आयरन से मिलकर बनी हुई, जिसे हम कह सकते हैं निफे, क्या कह सकते हैं, निफे, निकिल और आयरन से मिलकर बनी हुई। तो आउटर लेयर किससे बनी है, सियोल से, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। सेकेंड वन किससे बनी है, सेकेंड वन बनी हुई है आपकी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और थर्ड वन किससे बनी हुई है, निकिल और आयरन, क्लियर। अब इनका कैसा है स्ट्रक्चर, ये जैसे कि आप जानते हैं कि मेनली यदि किसी भी जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसकी मैक्सिमम थ्री स्टेजेस हो सकती हैं, क्लियर। अब आप इसमें से फाइव स्टेजेस पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं अर्थ पढ़ा रही हूँ तो मैं मेनली थ्री स्टेजेस की बात कर रही हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, क्लियर। तो जब हम अर्थ के इस क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट वाली जो स्ट्रक्चर है ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है सॉलिड फेज में। ओके, ये जैसे धरती है जिस पे हम खड़े हैं, ये क्रस्ट ही तो है ना, तो ये कैसे होगी, ये सॉलिड होगी, ठोस अवस्था में होगी। फिर मेंटल की बात की जाए तो जब हम सेकेंड लेयर मेंटल की बात करते हैं तो ये जो मेंटल होता है ये होती है प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर, प्लास्टिक लाइक, ये इसे आप कह सकते हैं सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड यानी जैसे आप लोग जेली वगैरह खाते हैं, है ना,
या सेमी लिक्विड शैम्पू वगैरह इस तरह का समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम क्रस्ट में गहराई की तरफ चले जाते हैं, याद रखिएगा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं गहराई की तरफ, तो हर 32 किलोमीटर पर 32 किलोमीटर पर नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, जब हम ये अर्थ है, ओके, और अर्थ का स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, गहराई में ओशन प्लेट्स हैं, आपकी कंटिनेंटल प्लेट्स हैं, उसके नीचे मेंटल है, सबसे नीचे जाएंगे तो कोर है। तो जब हम क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ जाना, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बहुत बड़ा सेंटर पे आग गर्म, एकदम से बिल्कुल गर्मी है, वहाँ टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हर 32 किलोमीटर पे क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन आगे चल करके ये वेरिएट होता है टेम्परेचर। ओके, एक लेवल के बाद, इसके बाद जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जो सॉलिड है सियोल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसके बाद मेंटल जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ, यहाँ है निकिल और आयरन से बना हुआ। तो जब नीचे जाएंगे और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी तो क्या वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो पिघला हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये मेंटल वाली बात हम कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक स्टेज में होगी। ओके, और जब हम बिल्कुल इंटरनल लेयर की बात करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है, जैसे कि जो लोग एग खाते हैं अंडा, उसमें जो एलोइश पार्ट रहता है, योक होता है ना, उसी तरह से जब पृथ्वी को यदि हम उस अंडे को मान लें तो इसका जो एलोइश पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोर। ओके, और ये कोर की बात बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो आउटर लेयर है कोर की, ओके, कोर को हमने यदि आउटर और इनर में बांटा, तो जो इसकी बाहरी सरफेस है, जो आउटर लेयर है, ये कैसी होगी? ये तो होगी सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड इस फेज में। लेकिन जब हम इनर लेयर की बात करेंगे तो इनर लेयर पता है आपको कैसी होती है? गेस कीजिए, ये भी होती है सॉलिड। यस, सॉलिड। ये जो इनर लेयर है बिल्कुल यहाँ की, इसको माना गया है कि ये कोर किया जो सेंटर पॉइंट है वो सॉलिड फेज में रहेगा। अमन में सवाल आ रहा होगा कि जब हम इतने नीचे जा रहे हैं तो ये सॉलिड क्यों है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लिक्विड क्यों नहीं है? तो यहाँ पे प्रेशर वर्क करता है। कहा जाता है कि इंटरनल जो रॉक्स है वहाँ पे इतना ज़्यादा इसका प्रेशर है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो बिल्कुल इंटरनल सरफेस है वो सॉलिड फेज में है। ओके, क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, जब हम तीनों स्टेजेस की बात कर लेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, वो रिलेटेड है आपकी किससे, डेंसिटी से। डेंसिटी से किस तरह से, आपको याद रखना है कि जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, जब आपने पहले वाला एक जियोग्राफी का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसमें पांचों लेयर की बात की थी, है ना। यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं किसकी, लिथोस्फीयर की, तो जो लिथोस्फीयर होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, ये लिथोस्फीयर आपका मिलकर के बना होता है क्रस्ट से और एस्थीनोस्फीयर से। किससे, एस्थीनोस्फीयर से। एस्थीनोस्फीयर क्या होती है, ये तो मैंने अभी बताया नहीं, तीनों स्ट्रक्चर में बताया था। ये एस्थीनोस्फीयर जो होती है ये होती है अपर मेंटल। ओके, क्या होती है, अपर मेंटल। और जब अपर मेंटल और क्रस्ट को मिला दिया जाता है तो ये कहलाने लगता है लिथोस्फीयर। क्लियर। अब इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने जब अभी कहा कि हमें डेंसिटी की बात करनी है कि डेंसिटी क्या होती है, तो याद रखिएगा कि जब हम एवरेज अर्थ की डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि अर्थ पेयर एवरेज डेंसिटी क्या है, तो ये है 5.5 समथिंग। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे हम क्रोर और फिर इसके बाद मेंटल और क्रस्ट की बात करते हैं तो ये जो डेंसिटी का लेवल होता है ये वेरिएट करने लगता है ना। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया, इसको पता किया। तो जब इन तीनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जब हम, ये कौन सी लेयर थी, क्रस्ट थी। ओके, क्रस्ट में जैसे ही हम इनसाइड पे अंदर साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी में जो वेरिएशन मिलता है इसको कहा जाता है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह से जब हम मेंटल लेवल की बात करते हैं, मेंटल लेवल में भी ऐसी ही डेंसिटी में वेरिएशन आता होगा।
तो इसे कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ओके, और जब हम लास्ट की बात करते हैं, स्कोर की बात कर रहे होते हैं, तो स्कोर स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है, यहाँ पे जब वेरिएशन डेंसिटी की आएगी तो ये आएगी गुटेनबर्ग। तो आपको एग्जाम पर्पज से याद रखना है तीनों को, ट्रस्ट में कॉर्नाट कहला रहा है, मेंटल में मोहो डिसकंटिन्यूटी कहला रही है, और लास्ट जो है आपका कोर उसे कहा जा रहा है गुटेनबर्ग का डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। अब इसको समराइज करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं पूरा का पूरा, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये जो सॉलिड फेज अभी इरीना मैम ने बताया ये किस वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो सॉलिड है आपकी कोड, ये सॉलिड है प्रेशर की वजह से। लेकिन पता कैसे चला, तो जब हम अर्थ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज की जब एज डेटिंग की बात की जाती है तो एज डेटिंग डिटर्मिनेशन कैसा होता है, हाफ लाइफ पीरियड कार्बन 14 मेथड, लेकिन वो होता है 60 इयर्स तक की किसी चीज का पता करने के लिए। जब हम मिलियंस टाइम पहले जो चीजें फॉर्म हुई हैं उनको पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग मेथड यूज करते हैं। ओके, और जब हम अर्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए कई मेथड अपनाई गई, जिसमें से वोल्केनो एरप्शन में यदि हम देखें या अर्थक्वेक की बात करें तो ये किस तरह से आपकी हेल्पफुल होगी, वो इस तरह से हेल्पफुल होगी कि आपको पता होगा कि जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है तो यहाँ से कुछ लिक्विड टाइप का एक सब्सटेंस आता है जो क्रस्ट लेवल पे क्या होता है जा करके फैल जाता है ना, क्या है वो, वो हम कहते हैं मैग्मा है। और ये जो मैग्मा है, ओके, ये लिक्विड फेज में और बाहर आकर के जब फैल रहा है, तो लोगों ने कहा कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पिघली हुई अवस्था में है, यानी लिक्विड फेज में है, इसीलिए मैग्मा के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के ऊपर आकर के क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। ओके, और सेकेंड चीज याद रखनी है, जब हम अर्थ क्विक की बात करते हैं यानी कि भूकंप की बात करते हैं, तो अर्थ क्विक में क्या होता है, इस पे तीन तरह की वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ओके, कहा जाता है कि एस वेव्स जो है ये ओनली पास्ट फ्रॉम सॉलिड फेज। क्लियर, तो जब एस वेव्स यहाँ से सॉलिड फेज से होकर के निकल जाती हैं, कोर्ट को क्रॉस कर लेती हैं, मतलब पृथ्वी के इंटरनल फेज में ऐसी कोई ना कोई सरफेस जरूर मौजूद है जो सॉलिड फेज में है। ओके, तो अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करती हूँ। अभी हमने क्या देखा, हमने ये कहा कि जो अर्थ होती है, अर्थ तीन लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे आउटर लेयर जो होती है क्रस्ट कहलाता है, जो कि मिलकर के बना होता है किससे, सियोल से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। इसके बाद सेकेंड लेयर होती है मेंटल, और ये मेंटल किससे मिलकर के बनी होती है, ये मेंटल मिलकर के बनी होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और थर्ड स्ट्रक्चर की जो इनर पार्ट है इसकी बात करेंगे, जिसे कोर कहा जाता है, तो कोर किससे मिलकर के बना होता है, निकिल और आयरन से। क्लियर, तो ये थी हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।